पाकिस्तान का सच क्या है सारा संसार जानता है। कंगाली का ऐसा दौर पाकिस्तान के इतिहास में शायद ही कभी रहा। इमरान खान के मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, खजाना पूरी तरह से खाली है और इस बीच इमरान खान ने खुद आर्थिक मोर्चे पर फेल हो चुकी सरकार की पोल खोल दी है। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी यात्रा को सबसे सस्ती आधिकारिक यात्रा करार देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उनकी यात्रा को उनके दो दोस्तों और जाने माने व्यापारियों इकराम सहगल और इमरान चौधरी ने फंड किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेकफास्ट एट दावोस के दौरान गुरुवार को पाथफाइंडर ग्रुप और मार्टिन डाउ ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इमरान ने बताया कि साल नवंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनकी यात्रा की लागत $160,000 थी, जो पूर्व राष्ट्रपति आसिफ जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्रियों नवाज शरीफ और शाहिद खकान अब्बासी की यात्रियों से काफी सस्ती थी। उन्होंने अपने मंत्रियों को दावत पर जाने से भी रोका। इमरान खान का मानना है कि विदेश दौरे पर होने वाले खर्चों को बचाना देश के लिए फायदेमंद साबित होगा। हाँ, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान के इस खस्ता हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की हालत दयनीय होती जा रही है। यहाँ लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, महंगाई अपने चरम पर है। ऐसे में इमरान खान की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है।